नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल शिक्षा अकेडमी में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में है मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स स्पेशल फॉर रेलवे एग्ज़ाम 2018। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं 1 जनवरी से। 1 जनवरी सबसे पहले बात करते हैं, 1 जनवरी 2018 को भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया था, किसे नियुक्त किया गया है? 1 जनवरी 2018 को भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो इनका इसका आंसर है दोस्तों, यह विजय केशव गोखले को नियुक्त किया गया। किसको? विजय केशव गोखले को नियुक्त किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2018 को किस राज्य को 2 अक्टूबर 2019 की राष्ट्रीय निर्धारित सीमा से पहले खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया? किया गया है दोस्तों, इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश को किया गया था। इसके बाद अगला नेक्स्ट, 1 जनवरी 2018 को किसने पहली बार रणजी ट्रॉफी 2017-18 जीतकर इतिहास रच दिया था? दोस्तों, उसका टीम का नाम है विदर्भ। विदर्भ ने दोस्तों दिल्ली को हराकर रणजी ट्रॉफी अपने नाम की थी। इसके बाद नेक्स्ट, जनवरी 2018 को किस फिल्म सुपरस्टार ने राजनीति में प्रवेश करने की घोषणा कर पार्टी का लोगो और वेबसाइट जारी किया है? किस फिल्म सुपरस्टार ने राजनीति में प्रवेश करने की घोषणा की और पार्टी का लोगो और वेबसाइट जारी की? तो उसका नाम है दोस्तों रजनीकांत, सुपरस्टार। इसके बाद नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2018 को गेल इंडिया ने किस राज्य में भारत का दूसरा सबसे बड़ा छत सौर संयंत्र लगाया है? दोस्तों, इस कहाँ पर लगाया है? उत्तर प्रदेश में लगाया है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2018 को किन दो देशों ने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? दोस्तों, देशों का नाम है भारत और पाकिस्तान। इसके बाद नेक्स्ट है, 1 जनवरी 2018 को किन दो देशों में पहली बार बेट लगाया गया है? दोस्तों, इसका नाम है देश का सऊदी अरब तथा यूए यानी कि संयुक्त अमीरात। इसके बाद नेक्स्ट है, 2 जनवरी 2018 को मेनका गांधी ने महिला सशक्तिकरण के लिए किस नाम से पोर्टल को आरंभ किया है? किस नाम से पोर्टल को आरंभ किया है महिला सशक्तिकरण के लिए? तो उसका पोर्टल का नाम है नारी पोर्टल। क्या नाम है? नारी पोर्टल नाम है। इसके बाद नेक्स्ट है, 2 जनवरी 2018 को मुकेश हम अम्बानी ने, ने के नेतृत्व में मुकेश अम्बानी के नेतृत्व में रिलायंस कंपनी ने विश्व की सबसे बड़ी गैस क्रेशर रिफाइनरी कहाँ आरंभ की है, कहाँ से शुरुआत की है? उसका राज्य का नाम दोस्तों गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित जामनगर परिषद में। कहाँ पर? गुजरात के सौराष्ट्र स्थित जामनगर परिषद में यह स्टार्ट की है। इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला है प्रश्न, 2 जनवरी 2018 को भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? भारत का उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है राजेंद्र खन्ना। राजेंद्र खन्ना है, यह उप सुरक्षा सलाहकार है। इसके बाद नेक्स्ट है, 2 जनवरी 2018 को किस वयोवृद्ध कवि का निधन हो गया है, यानी कि वृद्ध कवि का निधन हो गया? उन कवि का नाम है अनवर जलालपुरी। अनवर जलालपुरी। इसके बाद नेक्स्ट, 2 जनवरी से 5 जनवरी 2018 के बीच में मुंबई में आयोजित 24वां फेडरेशन कप में पुरुष तथा महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों, पुरुष वालों ने जीता है मोहम्मद गुफरान ने जीता है पुरुष वाला, और महिला वाला जीता है काजल कुमारी ने जीता। किसने? महिला काजल कुमारी विजेता है और पुरुषों में है मोहम्मद गुफरान विजेता है। इसके बाद नेक्स्ट है,
3 जनवरी 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की गई घोषणा के अनुसार कितने रुपए तक के लेन देन को डेबिट कार्ड से करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा? तो उसका आंसर दोस्तों 2,000 रुपये, 2,000 रुपये का आदान प्रदान करने से, लेन देन करने से कोई भी शुल्क नहीं देना होगा। इसके बाद चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 जनवरी 2018 को स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु HDFC बैंक ने किस राज्य सरकार के साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो सरकार का नाम है दोस्तों राजस्थान सरकार के साथ यह घोषणा की गई। इसके बाद नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2018 को अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में शीर्ष भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों जी साथी यान। कौन से खिलाड़ी नाम है? जी साथी यान खिलाड़ी का नाम है। इसके बाद नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस जगह पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना को मंजूरी प्रदान की है? क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना की है, जैसे एम्स के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में की है, हिमाचल प्रदेश में स्थापना की मंजूरी दी है। इसके बाद नेक्स्ट, 3 जनवरी 2018 को पाकिस्तान ने किस क्रूज मिसाल का सफल परीक्षण किया है? तो इस मिसाल का नाम है हरबा मिसाइल। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 3 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने श्रीनगर से लेह के दुर्गम सड़क मार्ग को सफल बनाने वाली किस सुरंग को मंजूरी दे दी है? तो सुरंग का नाम है जोजीला सुरंग। इसके बाद नेक्स्ट, 3 जनवरी 2018 को कहाँ पर CNG की आपूर्ति आरंभ की गई है? इसका राज्य का नाम है दोस्तों पंजाब राज्य। इसके बाद नेक्स्ट, 3 जनवरी 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूमि सीमा पार करने के संबंध में किस देश के बीच समझौते को मंजूरी दी है? सो दोस्त इसका नाम है म्यांमार देश, म्यांमार देश को मंजूरी दी है। इसके बाद नेक्स्ट, 3 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय जल मार्ग 1 के हल्दिया वाराणसी खंड में नौ वाहन विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए की जल विकास परियोजना को मंजूरी प्रदान की गई है? दोस्तों 5,369 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, 5,369। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है, 4 जनवरी 2018 को किन 3 मंत्रालयों ने भारतीय रेल के तकनीकी मिशन हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों वह मंत्रालय है, पहला रेलवे मंत्रालय, दूसरा है HRD मंत्रालय, तीसरा है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, है तीनों मंत्रालय एक साथ हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, 4 जनवरी 2018 को किस मंत्रालय द्वारा पहला ऑनलाइन ऑन्कोलॉजी पाठ्यक्रम को आरंभ किया गया है? तो मंत्रालय का नाम है दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय। इसके बाद नेक्स्ट है, 4 जनवरी 2018 को अमेरिका ने किस देश से सभी प्रकार के सुरक्षा सहयोग को निलंबित करने की घोषणा की है? किस देश से सभी प्रकार के सुरक्षा सहयोग को निलंबित करने की घोषणा की है? तो वह देश का नाम है दोस्तों पाकिस्तान देश। अब वह पाकिस्तान का देश कुछ भी नहीं करेगा सुरक्षा संबंधी। इसके बाद नेक्स्ट है, 4 जनवरी 2018 को उच्चतम न्यायालय ने किस राज्य को रणजी ट्रॉफी में खेलने को मंजूरी प्रदान की है? दोस्तों इसका नाम है बिहार राज्य, बिहार राज्य अब रणजी ट्रॉफी खेल सकता है। इसके साथ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है, 4 जनवरी 2018 को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 4 जनवरी को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उस दिवस का नाम है लुई ब्लेस दिवस, लुईस ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2018 को खेलो इंडिया का लोगो जारी किया गया, खेलो इंडिया का लोगो जारी किया गया,
यह किसके द्वारा तैयार किया गया है, किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो दोस्तों इसका नाम, उनका नाम है ओगिलवी इंडिया। क्या? ओगिलवी इंडिया के द्वारा जारी किया गया। इसके बाद नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2018 को RBI द्वारा कितने रुपए मूल्य के नोट की नई सीरीज जारी की गई है? तो दोस्तों इसका नाम है 10 रुपए के नोट की सीरीज जारी की गई 5 जनवरी 2018 को। कब? 5 जनवरी 2018 को 10 रुपए के नोट जारी किए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट है, 5 जनवरी 2018 को किस जहाज को भारतीय तट रक्षक बल में देश की तटीय सीमाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए शामिल किया गया? उस जहाज का नाम है जहाज C-161, यानी कि 161, जहाज C-161। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अगला है, 6 जनवरी 2018 को विद्यालय परिषद में साथ छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किसने विद्यालय सुरक्षा मैनुअल जारी किया है, किसने सुरक्षा मैनुअल जारी किया है? उसका नाम है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। इसके बाद नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2018 को क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? सबसे युवा खिलाड़ी, तो जो सबसे युवा खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड के बल्लेबाज एलिस्टर कुक बने हैं। कौन? एलिस्टर कुक ने सबसे युवा हैं जिन्होंने 12,000 रन पूरे किए। इसके बाद नेक्स्ट है, 6 जनवरी 2018 को किस राज्य ने अपना नया लोगो जारी किया है जिसमें सिंह स्तंभ को दर्शाया गया है? दोस्तों तो राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल, ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है या जारी किया है। इसके बाद नेक्स्ट है, 6 से 7 जनवरी 2018 को क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का आयोजन आसियान इंडिया प्रवासी दिवस समारोह के नाम से कहाँ किया गया? यानी कि पहले जो क्षेत्रीय प्रवासी भारतीय दिवस समारोह नाम था उसको बदलकर आसियान इंडिया प्रवासी दिवस समारोह कर दिया गया है। दोस्तों यह किया गया है कहाँ पर? सिंगापुर में बैठक हुई थी और वहाँ पर यह नाम चेंज हुआ। इसके बाद साथ बढ़ते हैं आगे। अगला है, 7 जनवरी 2018 को किस बॉलीवुड अभिनेता का निधन हुआ है, हो गया? तो उनका नाम है दोस्तों श्री बल्लभ व्यास का निधन हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट, 7 सितंबर, सॉरी यहाँ पे दोस्तों 7 जनवरी 2 सितंबर की जहाँ पर जनवरी है, 7 जनवरी 2018 को किस राज्य सरकार ने बिना इजाजत के लाउड स्पीकर बजाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो उस राज्य का नाम है उत्तर प्रदेश राज्य ने लगाया है। इसके बाद नेक्स्ट है, 8 जनवरी के, 8 जनवरी 2018 को किसे गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चयनित किया गया, अभिनेता चयनित किए गए हैं? और अभिनेता का नाम है, अभिनेता है अभिनेता अजीज अंसारी। कौन? अभी अजीज अंसारी है। इस पुरस्कार का नाम याद रखिएगा दोस्तों, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। इसके बाद नेक्स्ट है, 8 जनवरी 2018 को भारत का पहला सबसे तेज चलने वाला किस सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया गया? सबसे चलने वाला सुपर कंप्यूटर का नाम है प्रत्यूष। यह प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर है जो अब तक का सबसे तेज चलने वाला है भारत देश में। इसके बाद नेक्स्ट, 8 जनवरी 2018 को किस प्रदेश की सरकार ने ई सिगरेट पीने पर प्रतिबंध लगाया है, ई सिगरेट पीने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ससरा है दोस्तों, बिहार सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया है। इसके बाद नेक्स्ट, 9 जनवरी 2018 को किन दो देशों के मध्य 2 वर्ष बाद वार्ता आयोजित की गई, 2 वर्षों बाद वार्ता आयोजित की गई? तो दोस्तों देश है उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच यह वार्ता की गई थी। इसके बाद अगला है, 9 जनवरी 2018 को दिल्ली सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितने बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराई जाएगी? तो दोस्तों वह 77,000 की लगभग को यात्रा कराई जाएगी, 77,000 बुजुर्ग हो या वृद्धों हो यह तीर्थ यात्रा कराएगी, यानी केंद्र सरकार कराएगी। इसके बाद नेक्स्ट,
9 जनवरी 2018 को किस प्रदेश की सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में आदि शंकराचार्यों को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किया गया? दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदि शंकराचार्यों की जीवनी या फिर उनके बारे में पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इसके बाद नौवां है, सॉरी दोस्तों अगला है, 9 जनवरी 2018 को किसने कहा कि सिनेमा घरों में फिल्म दिखाने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य नहीं है? दोस्तों यह सुप्रीम कोर्ट ने मतलब स्पष्ट कर दिया है कि यदि आपको बजाना हो तो बजाओ, नहीं बजाना हो तो नहीं बजाओ, यानी कि कोई अनिवार्यता नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला है, 9 जनवरी 2018 को प्रथम प्रवासी सांसद सम्मेलन का सफल आयोजन कहाँ किया गया या कहाँ पर संपन्न हुआ? तो वहाँ दोस्तों नई दिल्ली में संपन्न हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट, 9 जनवरी 2018 को स्कीइंग्स में अंतर्राष्ट्रीय पदक हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो उनका नाम है दोस्तों आंचल ठाकुर बनी है, आंचल ठाकुर। इसके बाद नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2018 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया? तो उनका नाम है के शिवन को नियुक्त किया गया है इसरो का अध्यक्ष। इसके बाद नेक्स्ट, 10 जनवरी 2018 को केंद्र सरकार ने सिंगल ब्रांड रिटेल में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी प्रदान की है? दोस्तों का नाम है 100%। इसके बाद नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ सहमति ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? देश का नाम है दोस्तों कनाडा देश। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, अगला है, 10 जनवरी 2018 को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, मनाया जाता है 10 जनवरी को। इसके बाद नेक्स्ट है, 10 जनवरी 2018 को विश्व बैंक द्वारा जारी वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट, वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2018 के अनुसार वर्ष 2018 में वैश्विक अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत वृद्धि रहने का अनुमान है? तो दोस्तों कितने, 3.1% रहने का अनुमान है। इसके बाद नेक्स्ट, 10 जनवरी 2018 को किन दो देशों के बीच परंपरागत औषधि प्रणाली के सहयोग हेतु द्विपक्षीय बैठक का आयोजन नई दिल्ली में किया गया? किसके बीच? भारत तथा मलेशिया बीच, भारत और मलेशिया के बीच यह बैठक हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट, 11 जनवरी 2018 को सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश नामांकित होने वाली पहली वरिष्ठ महिला वकील कौन है? तो उनका नाम दोस्तों इंदु मल्होत्रा, जो कि पहली न्यायाधीश बनी है। इसके बाद नेक्स्ट है, 11 जनवरी 2018 को निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सोशल मीडिया के विस्तार के मद्देनजर जनप्रतिनिधित्व कानून धारा 126 में बदलाव पर सुझाव देने हेतु कितने सदस्यों की समिति गठन की है? दोस्तों उस समिति में होंगे 14 सदस्य वाली समिति गठित की गई है। इसके बाद नेक्स्ट, 12 जनवरी 2018 को इसरो ने अपने किस उपग्रह को लॉन्च करके रिकॉर्ड कायम किया है? नाम है दोस्तों सोवा, सोवा उपग्रह करके लॉन्च किया है, मतलब अभी तक इसरो ने सोवा उपग्रह लॉन्च कर चुका है, यानी कि यह जो अभी लॉन्च हुआ था 12 जनवरी को, वह सोवा या 100वां था उपग्रह। इसके बाद नेक्स्ट, 12 जनवरी 2018 को किस 12 जनवरी 2018 को एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण के अनुसार विश्व के तीसरे सबसे लोकप्रिय नेता कौन बन गए हैं? विश्व के तीसरे सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद नेक्स्ट है, 12 जनवरी 2018 को भारत में किस
दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो भारत में मनाया जाता है यह राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके साथ आगे बढ़ते हैं, अगला है 13 जनवरी 2018 को भारतीय बार परिषद यानी BCI के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने जजों से मिलने हेतु कितने सदस्यीय दल का गठन किया है? दोस्तों 7 सदस्यों वाली समिति का गठन किया गया, दल का गठन किया। इसके बाद नेक्स्ट है 14 जनवरी 2018 को प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव, क्या प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया या कहाँ पर समापन हुआ? दोस्तों यह बीकानेर में संपन्न हुआ। इसके बाद नेक्स्ट 14 जनवरी 2018 को पूर्वी दिल्ली के ऐतिहासिक तीन मूर्ति चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया? तीन मूर्ति चौक का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो नया नाम है दोस्तों इजरायली शहर, इजराइल एक इजरायली शहर का नाम है, हाइपा के नाम पर तीन मूर्ति हाइपा चौक रखा गया। इजराइल 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 देश का एक शहर का नाम है हाइपा, और इस हाइपा के नाम पर तीन मूर्ति हाइपा चौक कर दिया गया है, तीन मूर्ति को यह नाम चेंज हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट है 14 जनवरी 2018 को भारत के पहले पहले गवार ऑप्शंस बीजों को किसके लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया है? तो उसका नाम है दोस्तों राष्ट्रीय कमोडिटी और डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड ने लॉन्च किया है। इसके साथ ही दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला है 14 जनवरी 2018 को किस राज्य के मदरसों में संस्कृत को वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है? दोस्तों कहाँ पर? उत्तराखंड राज्य में प्रदान की गई है। इसके बाद नेक्स्ट है 14 जनवरी 2018 को विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? वैश्विक विनिर्माण सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है, कौन सा स्थान आया है? तो दोस्तों इसका 30वां स्थान आया है, और सबसे टॉप पर है दक्षिण कोरिया, क्या सबसे टॉप पर दक्षिण कोरिया है। इसके बाद नेक्स्ट है 14 जनवरी 2018 को प्रीमियम बैडमिंटन लीग 2017-18 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों यह हैदराबाद हंटर्स ने बेंगलुरु ब्लास्टर को हराकर जीता है, यानी कि विजेता टीम है हैदराबाद और उप विजेता टीम है बेंगलुरु। इसके बाद नेक्स्ट है 15 जनवरी 2018 को किन दो देशों के मध्य नौ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं? दोस्तों यह कब किस किसके भारत और इसराइल के बीच हुए हैं, 15 जनवरी को किन दो देशों के बीच समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, यानी कि नौ समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं, तो उन देशों का नाम है भारत और पाकिस्तान, दोनों देशों के बीच नौ समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। तो दोस्तों इसके साथ ही यही वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जो भी मैं अगला नया वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।